24 घंटे लगातार पैराग्लाइडिंग, मेरी रूह वहाँ गिरी हुई है। चलो चलो, पेट्रोल गया भाई, पागल था जो चला गया यार, बात लो हाइपरथर्मिया में हो जाए, गुस्से में क्या यूज़ी यूज़। Hey guys, welcome back to my vlog channel. कैसे आप लोग, मैं बहुत ही बड़े, hopefully आप सब भी बहुत बड़े होंगे। So guys, हमें जस्ट एक दिन का ब्रेक मिला 6 दिन के कॉन्टिन्यू शूट पे, तो हमने सोचा क्यों ना इसको कुछ बेहतरीन बनाए। बोर हो गए थे हम, 24 घंटे का लगातार शूट करा हमने, उसके बाद अब थोड़ा टाइम मिला तो अभी हम जा रहे हैं। तो मैंने ऐसा प्लान करा, मैंने कहा चलो गाइज हम बाइक से चलते हैं। हमारी आधी टीम डिवाइड हो गई, वो हम यहाँ पे आ गए फ्रेश होने, और वो अभी बाइक लेने गए, वहां से उन्होंने बाइक ले लिया, 5 बाइक लिए हमने टोटल। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे रोहतांग पास की साइड, बट वो शायद वहाँ परमिशन का कोई सिस्टम मुझे पता नहीं। तो कहीं भी चलते मजा आएगा बाइक पे, मेरा ऐसा प्लान था और वो वर्क कर गया, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मुझे घूमने मजा आएगा, और हमने 24 घंटे लगातार शूट करा है, उसके बाद जाके ब्रेक मिला एंड वीडियो बहुत अच्छी जा रही है। सो एक ब्रेक था तो हम यूटिलाइज करना चाह रहे हैं इसे। थैंक यू सो मच। ये बात में बिजी हो रखे ना, और मेरी नजर टिकी है खिड़की पे, जैसे ही बाइक और भाग जाऊं मैं जल्दी जल्दी खा रहा हूँ कि बस आ जाएंगे। ये भी उसी ताक में कि जल्दी से आ जाए, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, बस चाह रहा हूँ जल्दी से ऐसे यहाँ पे बाइक है और जल्दी से अलग है। मैं अपनी कॉन्टिनेंटल बाइक भी मिस कर रहा हूँ एंड गाइस जल्दी ही कुछ प्लान करूंगा मैं अपनी बाइक के साथ भी, पर अभी इन बाइकों के मजे लेंगे और दिखाता हूँ आपको। हम बारिश ना आए बस, और मैं कपड़ों का सोच रहा हूँ क्या पहनूं, क्योंकि जो नाइक वाली जैकेट जो मैं पहनता हूँ मेरा ट्रेंड मार्क बन गया, मतलब। सो गाइस हमारी पहले खिलाड़ी पहुंच चुके हैं पहली बाइक के साथ, ये दूसरी बाइक आते बढ़िया बढ़िया गुड, ये एवेंजर, ये हीरो, ओए गुस्से में क्यों भाई, अरे ओए रुक जा, भाई बुलेट आते। और सबसे लेट हमारे भाई अन्नु जी। चलो भाई बाइकें बंद करो, बाइकें बंद करो। ये इम्पल्स तूने लिए? लव फॉर रॉयल एनफील्ड। गेस कर मैंने कौन सी बाइक, राइट गेस, यू नो मी, हाँ यही मुझे पसंद आई। विशाल भाग के स्कूटी में चाबी लगाई उसने स्कूटी पैक कर ली जल्दी जल्दी। नो हवाबाजी अलाउड, नो हवाबाजी, समझा, नो हवाबाजी, हट जा, छुटेंगी टांगे भी नहीं पूछेगी। चलो 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 चलो, इनसे पूछ इनकी बाइकों में पेट्रोल है, ये भी तो डलवाना था, उनको बोल आगे से डलवाते हैं, चलें। चलो भाई रिजर्व कर दिया, ये देखो और कॉन्फिडेंस इंसान, कह रहा टंकी फुल है, अभी फुल दिखा रही है, जब मैं गलती हूं जाइए भी तो तेरा, अगर स्पीड जीरो होती है उसकी दिखाएगा तो ओवर स्पीड नहीं करोगे? अरे मेरी भी जो की बुलेट रुकी है ना, एक बार चलो 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 भाई चलो, रुको मत, गया पेट्रोल गया भाई, पहली बाइक का पेट्रोल गया, डलवाया नहीं। There's a million of those who won't let us be, but they're not gonna, not gonna see me bleed, 'cause baby I got you, you. पहाड़ों पर भी इतना ट्रैफिक है भाई, लगता है ट्रैफिक लगता है यहाँ पे, अभी सोलन वैली क्या लगता है, ले जा रहे थे ना तो भी इसी रूट से गए थे ना, यही था सिसू जा रहे हैं। Me and my crime partner going to सिसू, सब हमें छोड़ चुके हैं, हम उन्हें रेस्क्यू कर रहे थे बट वो साले छोड़ के हमें भाग गए। जून जुलाई है, अरे पैराग्लाइडिंग चल रही है यहाँ, वहाँ से पैराग्लाइडिंग शुरू हो रही है और यहाँ तक रिपोर्टर के साथ, रिपोर्टर के साथ जानिए। अगर आप फूड ब्लॉगर हैं तो आपको ऐसे स्टॉल पे रुक के ऐसे रील भी बनानी पड़ेगी, अलग अलग एंगल से, ऐसे अलग अलग एंगल, ये देखो एंगल एंगल से, ये आप पीछे रह गए मैडम, आप पीछे रह गए, यहाँ आकृति बाजी मार गई, फुल रिव्यू दे रही है, हाँ हर शॉट ले ले, उनको बनाने मत दियो, चम्मच चम्मच मारते हुए ले लिए सारे शॉट, वाइट मारते हुए बनेगा भी हमारा, बन रहा है वाइट मारते हुए शॉट मेरा लगा दिया, बस व्यूज ही व्यूज, व्यूज ही व्यूज, शेयर कर दूंगा ना फिर, मोर लगा दी गई है हिमालय में, ऐसे रिव्यू है इसने गिरा दी होगी तो हल्की सी बबल मार रही है, और बाइक मस्त चल रही है, सारे जोश में, फुल जोश में, ठंड लग रही है, बड़ी बड़ी है, मजा आ रहा है फुल भाई, क्या एक्सपीरियंस है भाई, मजा आ गया, पहली बार बाइक चला रहे पहाड़ों, पहली बार मजा आ गया, मजा। अन्नू जी ने कहा चलानी है तो बुलेट चलानी है, ना तो चलानी है नहीं वीरे, नवी हो पुरानी होनी चाहिए, होनी चाहिए बुलेट, इसके हाथ में था भाई, एक बाइट खिलाओ ये तो टेस्ट कराओ क्या है ये, एक सेकंड, नींबू नमक बहुत ज्यादा था भाई, ठीक है खाने लायक है, मतलब दिल्ली वाला कॉम्पिटिशन नहीं है सारा, पता नहीं कैसा मुंह बना रहे थे कि सबसे। चलो भाई चलो, शट में रुकते हैं, यहीं पे रुक लेते हैं, यहीं पे रुक, मैं बोर्ड पे मत रुको भाई, चलो चलो भाई, बात नहीं चलते रहो, चलते रहो, ओए ओए मिल गया, मिल गया शट, मिल गया शट, 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 काम कर दोगे
मेरी रूह वहाँ गिरी हुई है, उठा लाओगे? रूह? मेरी रूह गिरी हुई है बाजी, सॉरी बाजी, मेरी खुद गिर गई यार। यार क्या बोले बाजी। ओ यार ठंड बड़ी कैट है की। ये बहुत बड़ी टनल है, बहुत रास्ता बहुत आसान कर दिया। I will tell them what I'm feeling forevermore. I don't care about the feelings, not anymore. देख के लगाना है कच्चा। भाई शेड मिल गया, शेड में बैठते हैं। भाई मेरे पैर, वीडियो कॉल कर दिखाई से हम कहा है। कॉफी चाहिए? कॉफी चाहिए? मेरी कॉफी एक एक तरीका है, एक तरीका तो कैमरे में दिखा। अच्छा और ये नुस्खे बताता है हमें, ये नुस्खे वाला विशाल आ रहा है आराम से बस को ओवरटेक करता हूँ, कह रहे भाई खिलो। अबे मेरे को इसको निकाल पहले, सबसे स्लो यही है। गरम कॉफी का सहारा, अभी किसी को नींद नहीं आ रही होगी। सुबह सब डाउन थे, ऊपर हो गए, जागे हुए, जागे हुए 24 से बहुत ऊपर हो गए भाई। 24 घंटे लगातार शूट किया था, 24 हाँ हाँ। उससे पहले सब कह रहे थे यार देख लो लास्ट सीन, अभी अभी करना है भाई। बैकअप से पहले किसी में जान नहीं थी, सब मर चुके डेड। मैंने बोला टीटी भी खेलूंगा, साथ ही खेल रहे थे। मैं जाने का प्लान नहीं था, वो तो अनमोल ने बोला, तो मैंने कहा कि सीटी निकल गई। अरे बड़ा फनी हो गया, बेचारे की बाइक का तेल खत्म हो गया, ऊपर तो चपला में जूते हेक्टर में है, जो कि पार्किंग में खड़े हैं जहाँ से हमने बाइक ली है। पहले बाइक देंगे फिर हेक्टर के पास पहुंच पाएंगे, फिर जूते भी लेंगे, तब तो ऐसे रहेगा। कौन महान था जिसने इन बाइकों ने 150 रुपए का पेट्रोल जाने के लिए 100 रुपए का? ये एक तो हमारा साला अभी भी उसमें स्प्लेंडर वाले जमाने में जी रहा है। देखो ये बाहर आके ऐसी सहेलियां बन जाती है चिपक, कभी देखो देखो एक साथ बहुत खुश है अभी, और बाल नोच रही होती है सेट पे एक दूसरे के। मेघना तुझे कहा था, आकृति मैंने नहीं सुना, ये चल रहा होता भाई इनका सेट की बातें, सेट पे रहने दो यार, बांट लो भाई। सो गए तो मैंने खरीद लिया, इससे ऊपर बोली लगाओ भाई साहब, ग्लव्स दिखाओ, कैसे पानी से बचाएंगे? पानी से नहीं बचा पाएंगे बेटे। अरे बहुत है भाई, आओ भाई पहले फिर भी जिंदा रह जाएगा, हाथों पे खेला सा नहीं बचा पाएंगे। ले लिया जाए, मजाक सर के भाई, चलो भाई दे दो ग्लव्स दे दो। लो भाई लो भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं जब भी घूमने निकलता हूँ, आज क्या सोचा था बाइक लेके घूमने, हम घूमने निकलते हैं हमारे लिए वो टास्क हो जाता है भाई, ऐसा लगता है रोडीज में हम पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल ढूंढ रहे हैं कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, चारों कोने में फैल गए सब। अभी रुको, टास्क हमारा कम्प्लीट हो, हमने ढूंढ लिया भाई, मेहनत का काम हो जाता है यार। हम सोचते हैं घूमेंगे चिल करेंगे, कुछ आती है बीटी बीच में, कहीं से भी उड़ता हुआ तीर आ जाता है। बारिश, आज बारिश नहीं रुक के दे रही, मर जाएंगे। मेरे साथ ये इंसान है जिसने प्राण लिया हुआ है, ना पतली होंगी ना होने दूंगी, सबको चॉकलेट खिलाई गया आज। मिल गया यहाँ से पेट्रोल, भाई बहुत महंगा देते हैं पेट्रोल, ये देते हैं 140 रुपए का लीटर। सोच लो आप, अगर आप इमरजेंसी में फंसे तो आप कितने ठगे जाओगे, और कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, और हमारे लोग महान 100 रुपए के पेट्रोल में जी रहे हैं, साले कंजूस। एक साल पहले हम यहीं पे आए थे, तब हम ले गए थे तो हमने पहली कैंपिंग, हमें पहला टेंट यहीं गाड़ा था सीसू में। इतनी ठंड कभी नहीं लगी मुझे बाइक पे कि मैं अभी तक कांप रहा हूँ कपड़े बदल के, और भाई कमर अकड़ गई, अभी जीना नहीं चढ़ा गया, जीना चढ़ा गया, टूट जाएगा समझ नहीं आ रहा कमर में दर्द किस बात, ट्रैप मसल ये शोल्डर के ऊपर वाले, अरे भाई सब जम गए। अरे अभी तो टास्क दूध में बाइक छोड़ के भी आ रही है, दो बंदे को घंटा नहीं छोड़ गया, आपको चलना ही पड़ेगा। मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, सभी चार बाइक है, चार जने जाएंगे। सबसे तगड़ा सीन क्या हुआ तेरे साथ, मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। बाइक चला रहा मस्त मजे से, अभी ना पानी ऊपर से गीला हो गया, ठीक है, फिर एक पानी की झलक यहाँ से यहाँ तक गई, टी शर्ट अंदर की चिपकाती हुई चली गई पेट पे, और जो ठंड लगती है ना, जब ऐसे पानी चिपक नहीं आता टी शर्ट, और वो टी शर्ट गई चिपक, अब हवा लगे और ठंड लगे, और मैं हर दो मिनट बाद क्या करूँ टी शर्ट को ऐसे करूँ, अब ठंड लग रही है, और फिर क्या हुआ, पानी भरा हुआ था रास्ते में, तेरे पास भी आ गया बीचों पानी, उसमें से गई बाइक यूं, और जो पानी जूतों में भरा है,
घूमते बिल्कुल तिरम तिर, पूरे तिरम तिर टनल से निकलते हो, तूने सोचा भगवान से मांगा था कि बस बारिश ना रही हो बाहर? काम किया भाई, यही कि भाई जैसे आते हुए हुआ ना कि उस टनल के उस वाले एरिया में बारिश नहीं हो रही थी, इधर की साइड हो रही थी, तो भाई फिर से वही हो। मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था, सबसे फनी सीन। जैसे आपकी पानी बूंदे यहाँ थी ना, मेरी की सीट थी इनकी ऐसे, मैं बैठा हुआ इतने जाते हो तुम, ऐसी हालत में इतने वापिस आते हो भाई, ये फैक्ट है भाई। किसी में भी आग लगा दो भाई, भाई मैं कह रहा हूँ मुझे आग लगा दो, आग लगा दो, आग चाहिए। हाँ भाई कैसी बनी, हट गई, जाम हो गया सब, बॉनफायर हो रहा है। जितनी इच्छा से बाइके लाए थे उतने ही बेमन से बाइके वापस देने जा रहे हैं, बिल्कुल मन नहीं है जाने का, हिम्मत टूट चुकी है, ठंड के मारे मर रहे हैं हम, पर ये हमें काम पूरा करना ही पड़ेगा। क्या हुआ, इसमें थक गया क्या? इसकी सीट बहुत कंफर्टेबल लगी मुझे, चले आजा घुमा लाऊं, आजा। नींद आ रही है भयंकर, अरे मजा आ जाएगा, देख रहे तुम आज मजे करने की सोची लग गए, गाड़ी नहीं मिल रही, अभी बताता हूँ, बहुत बीटी हो गई भाई, एक बाइक की चाबी टूट गई, फिर गाड़ी नहीं मिल रही अब। सो गाइस ऑलमोस्ट 9:30 बज चुके हैं और पैकअप हुआ था सुबह 10 बजे और हमने सोचा था कि 12 बजे निकलते हैं कहीं घूम फिर के आते हैं, जो प्लान था कुछ भी वर्क नहीं करा। पहले बाइक मिली, फिर उसके बाद बाइक का एक बाइक में प्रॉब्लम थी, जो हर्ष की बाइक थी वो स्टार्ट बंद हो रही थी, हमें लगा पेट्रोल कम है, पेट्रोल डाला तो भी दिक्कत दी उसने, क्योंकि उसकी पेट्रोल की सुई तो पहले से फुल दिखा रही थी, वो इश्यू था उसमें। फिर बीच में बारिश आ गई, बारिश ने और हमें दिमाग खराब कर दिया, हम कहीं रुक नहीं पा रहे थे, सब कुछ सारी कंडीशन बेकार होती गई, जहाँ हमें जाना था वहाँ पहुंच नहीं पाए, क्योंकि बहुत ऐसा हो रहा था कि बारिश आ रही है, फिर ये हो रहा है, फिर रुक रहे हैं, तो ऐसा सा हो गया, क्लमजी सा। उसके बाद तब वापस आए बाइक वापस करने की बारी, पहली बात तो इतनी ठंड भाई शरीर जम गया, उसके बाद तब वापस बाइक करने की बारी आई, जो बाइक में चाबी लगाने का होता है हैंडल लॉक एवेंजर का, उसके हैंडल लॉक में चाबी टूट गई, अब कैसे टूटी मुझे नहीं पता, तो उनको मैंने उनसे बात करी कि सर देख लो, तो उन्होंने अभी हमारे सिक्योरिटी डिपॉजिट करी थी वो अभी दी नहीं है, वो कह रहे हैं थोड़ी देर में हम बाइक पिक करेंगे देन हम देखेंगे। मैंने उन्हें बोला भी कि यार बाइक खड़ी आप जाके चेक कर लो, होटल में कोई दिक्कत नहीं, सेफ जगह। तो कहते नहीं सर ऐसे नहीं होता, ये रूल रेगुलेशन। तो मैं आपको बस जस्ट एक चीज ध्यान रखना, मैंने फर्स्ट टाइम बाइक रेंट पे ली थी, आज तक मैंने स्कूटी ली थी और वो भी गोवा में, तो मैंने आज तक बाइक रेंट पे नहीं ली, फर्स्ट टाइम ली। तो रियलाइज की बहुत सारी चीजें ध्यान रखा करो यार, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कल को बंदा किस बात पे ऑब्जेक्शन उठा दे आप पे। वो चाबी पहले से खराब थी, मैंने उन्हें बोला ये चाबी पहले से खराब थी, आपको पता था ना ये वाली चीज, मतलब उसमें दिक्कत है। कहते नहीं सर दिक्कत है, बट अब चाबी ऐसे टूट गई। उनका भी पॉइंट ठीक है, उनकी बिल्कुल गलत बात नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ऐसा आपके साथ कुछ अनफेयर चीजें भी हो सकती है यहाँ पे। मतलब मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, अभी सोने जा रहा हूँ, कल सुबह का कॉल टाइम है, 5 बजे का रख रहे थे बट 9 बजे शिफ्ट करे, एंड कल से अपना 3-4 दिन और है अपना, उसके बाद दिल्ली का भी शूट बचा हुआ है, तो ओवरऑल वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है और बहुत अच्छा जा रहा है, एंड आपको मिलेगा देखने को एक अच्छा बढ़िया सा मजेदार एक डिफरेंट टाइप ऑफ व्यू, मतलब अभी तक का सबसे अलग। सो अमित सो चुका है और मेरी तबीयत थोड़ी इसलिए खराब है क्योंकि भीग भीग गया था, मैं बहुत कुछ दिखाना चाहता था आज के दिन, बट पहले बारिश एंड देन ऐसा स्पॉइल्ड अप सा हो गया, तो सॉरी, बट आई लव यू गाइस, बाय, गुड नाइट, बाय, लव यू। मैं आपको बता ही रहा था इनके बारे में, तो अभी आए भाई साहब, तो इनसे बात हुई, इतना दिमाग लगाया ना इन्होंने, ये इतनी तेजी, अभी मैं जस्ट आपको बोल रहा था और जस्ट अभी मेरे साथ ही हुआ है, गाड़ी लोड कर रहे हैं भाई, अभी मेरी इनसे बात हुई, तो इन्होंने मेरे को बोला कि भाई सुनो आपका लॉक खराब हुआ है तो 500 रुपए का नया लॉक लगेगा, अब बाइक ले आओ मैं लगा के दूंगा, मैं आपके वहां आऊंगा 800 रुपए लूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई आप आ जाओ, हमारा शूट है, हम बिजी है, नहीं हो पाएगा। अब गाड़ी आई तो कहते भाई 800 रुपए की तो लॉक की बात हुई थी और ये लोग आए गाड़ी पिक करने तो 500-600 रुपए एक्स्ट्रा लगे। गलती से मैं जगा हुआ था, गगन ने मुझे उठा दिया, मैं नीचे गया, मैंने बात करी, तो कहते अरे भाई नहीं 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 वो जो बात हुई थी वही होगी, अरे ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी फ्लिप करते हैं ना ये आधी बार। तो भाई प्लीज मैं बता रहा हूँ, लोग बहुत अच्छे हैं पहाड़ के, अभी भी हमें पहाड़ी नहीं सपोर्ट करा।